पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। घायल बदमाशों से लूट के 1,07,000 रुपये नकद व अन्य सामान और 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और चोरी की कार बरामद। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज जारी। पकड़े गए बदमाशों ने 3 दिन पहले महिला को बंधक बनाकर घर से लाखों की नकदी और ज्वेलरी और अन्य सामान लूटकर हो गए थे फरार। बिसरख थाना पुलिस की एमनाबाद गांव के पास हुई मुठभेड़। देखिए ये रिपोर्ट। अपराध को देंगे मुंह तोड़ जवाब, हर बेरोजगार को देंगे सरकारी नौकरी, हर गली में रखेंगे पुलिस वाले। न होगी बेरोजगारी, न होंगे अपराध। आजो भाई आजो। आजो भाई आजो। 7 अक्टूबर को थाना बिसरख क्षेत्र में श्रीमती नूतन शर्मा वादी मुकदमा अपराध संख्या 831/23 द्वारा धारा 394, 354 इत्यादि के अंतर्गत 4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बंधक बना करके लूटपाट करने के आशय से अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सोने की अंगूठी, एटीएम कार्ड, मोबाइल फ़ोन इत्यादि ले जाने की बात संज्ञान में आई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 11 अक्टूबर को दौराने चेकिंग मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वह संदिग्ध लोग किया कार से आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा संदिग्ध किया कार को रोकने का प्रयास किया गया। उप कार सवार तेजी से कार को लेकर जलपुरा बॉर्डर की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, जिनका पीछा कर मोरफेस सोसाइटी के पास रोकने का प्रयास किया गया तथा कार सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किए गए, जिसमें बिट्टू कसाना, अखिल भाटी और लव कुमार के पैर में गोली लगी, जिनको जीवन रक्षा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। बदमाशों के विरुद्ध लूट, हत्या, डकैती इत्यादि के विभिन्न जनपदों में अभियोग पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों के पास से घटना में लूटी हुई अंगूठी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, एटीएम कार्ड तथा एटीएम कार्ड से निकाले गए 1,07,000 रुपये तथा घटना में प्रयुक्त किया सोनेट कार, जो कि मयूर विहार दिल्ली से चोरी की गई थी, साथ ही 3 अवैध नाजायज तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और 8 खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को प्रोत्साहन हेतु DCP सेंट्रल महोदय द्वारा 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रॉपर्टी माफिया को करेंगे खत्म। हर व्यक्ति को मिलेगा एक ही घर, किसी को एक से ज्यादा घर कहां मिलेंगे, ना किसी के पास ज्यादा संपत्ति, ना किसी के पास कम संपत्ति, ना होंगे प्रॉपर्टी के झगड़े और ना होंगे पॉलिटिक्स। यूनिवर्सल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां आप अपनी बात पूरी आजादी के साथ 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रख सकते हैं। यहां मेंबरशिप की कोई प्रीमियम चार्ज भी नहीं है। दुनिया का एकमात्र न्यूज चैनल जहां खबरों के साथ साथ अपने विचार भी रखते हैं। आप अपनी हर खबर आप अपने पर्सनल न्यूज पेज पे आप पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो वो आप अपने पर्सनल ब्लॉग पेज पे आप पब्लिश कर सकते हैं सिर्फ musicvoicenews.com। तो तुरंत UCP रिपोर्टर को कांटेक्ट करें, अपनी आईडी रजिस्टर करें
खबरें और अपनी बातें पब्लिश करें। खबर के लिए बने रहिए यूसीपी वॉइस के साथ। यूसीपी वॉइस, देश की आवाज़।